सच्चा और ईमानदार हिरन। एक वक्त की बात है, एक शिकारी घने जंगल में शिकार के लिए निकला। जंगल में चलते चलते उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ काफी बड़ा था और जंगल के बराबर बीचों बीच था। वाह, ये मस्त जगह है। इस पेड़ की डाली पर बैठकर मैं आते जाते प्राणियों पर ध्यान दे सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शिकारी जल्दी जल्दी में उस पेड़ पर चढ़कर एक डाली पर बैठ जाता है। बहुत देर तक वो किसी प्राणी आने का इंतजार करता है। तभी उसे दूर एक हिरन दिखाई देती है और वो अपने साथ लाए हुए तीर कमान लेकर तैयार बैठ जाता है। आने दो इस हिरन को थोड़ा पेड़ के नजदीक, मैं उसे इस तीर से घायल कर दूंगा। यही ठीक रहेगा। हिरन को पता नहीं कैसे, मगर उसे मालूम पड़ता है कि एक शिकारी पेड़ पर छुपा हुआ है। जैसे ही शिकारी तीर कमान से तीर छोड़ने जा रहा होता है, हिरन उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे शिकारी भाई, रुक जाओ। आप मेरा शिकार करना चाहते हो ना? शौक से कर लेना, मगर मेरी एक बात सुनोगे? कौन सी बात, बोलो। मैं मेरे परिवार के लिए कुछ खाना ढूंढने आई थी। अगर मैं घर पर टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, घर जाकर उनको बताती हूँ और अपने पड़ोसी के घर छोड़ आती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ तो चलेगा? तुम सच बोल रही हो, मैं कैसे यकीन करूँ? तुम अगर वापस नहीं आई तो। अरे मैं जरूर आऊंगी, मेरी जुबान और मेरी ईमानदारी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जान से भी बढ़कर है। अगर फिर आपको यकीन नहीं है तो बेशक आप मुझे मार सकते हो, मैं तैयार हूँ। ठीक है ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो जाओ, मगर जल्दी आना, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ अब। हिरन जल्दी से दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही अपने बच्चों को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे देख बच्चे रोने की वजह पूछते हैं। वो सारी बात उन बच्चों को बता देती है और फिर बच्चे भी रोने लगते हैं। उस शिकार के पास जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। अगर भैया आपके साथ आ रहे हैं तो मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा, मैं भी आऊंगा। हिरन उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर तीनों उस शिकारी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शिकारी जब उन तीनों को देखता है तो चौंक जाता है। वाह, तुम तो अपने वादे के पक्के निकले और अपने परिवार को भी साथ लेके आ गई, अच्छी बात। तो पहले कौन आगे आएगा? हिरन और हिरन के बच्चे आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन पहले शिकार होगा। उनमें इतना प्यार देखकर शिकारी के आंखों में पानी आ जाता है। बस सब एकदम चुप रहोगे, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगा। कितना प्यार है तुम सब में, मैं इतने अच्छे परिवार को जुदा नहीं करना चाहता। अगर ऐसा करे तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। तुम सब जाओ और खुशी खुशी रहना। शिकारी हिरन के परिवार को क्षमा मांग के वहां से चला जाता है और तभी से वो शिकार करना छोड़ देता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सम्मान कमाया जाता है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।